हेलो फ्रेंड्स, सीटेट जो कि 9/12/2018 को हुआ, उसका सीरीज एम जो क्वेश्चन सेट था एम, उसका पेपर टू का जो है इंग्लिश सेट जो कि लैंग्वेज टू जिन्होंने भरा था पार्ट फाइव, ओके, तो उसका सॉल्यूशन का जो है आंसर की मैं पेश कर रहा हूँ। और ये जो था आपका 121 से 150 तक में फिल करना था, 121 से 150 तक का जो क्वेश्चन है उसमें वो चीज़ इसमें मैं सॉल्व किया हूँ। तो इंग्लिश सेक्शन का ये देखते हैं, फर्स्ट जो आया था 121 से 129 तक में तो पैराग्राफ बेस्ड था, तो ये पैराग्राफ दिया हुआ था, आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ था। इसका जो आंसर है, इस पर क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका आंसर देखिए, तो 121 जो क्वेश्चन था, हाँ, तो सीरीज एम का ये मैं क्वेश्चन उठाया हूँ। आपके पास जो सीरीज होगा आप क्वेश्चन ढूंढ करके आप आंसर अपना टिक कर सकते हैं। 121 में जो है बोला गया था, तो उसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा अपोज्ड, ऑप्शन नंबर 1। 122 जो है उस देख लीजिए क्वेश्चन आप, कंसीडेड बोल रहा है उसका अपोजिट मीनिंग, तो इसका हो जाएगा डिनाउंस्ड। 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑटोनॉमी गिवन टू द स्टेट इन सर्टन मैटर। उसके बाद 124 का देखिए, इसका होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। 125 का जो होगा सेंटर स्टेट रिलेशंस होगा, ऑप्शन नंबर 4। 126 का होगा सेवरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन जो था उसका सही ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सारे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, तो पैराग्राफ पे ही इसका सारा क्वेश्चन का आंसर मिला है। तो 128 का जो ऑप्शन नंबर 3 सही है, नो कॉमन नेशनल लैंग्वेज कुड बी इमर्ज। 129 जो है उसका ऑप्शन है क्या, जापान वाज इंटरेस्टेड इन इंडियन फ्रीडम, तो इसका 129 का ऑप्शन जो होगा वो 2 नंबर। अब देखिए 130 से 135 भी जो पैराग्राफ बेस्ड था, ए प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप पे जो है पैराग्राफ दिया हुआ था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 130 का जो क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। उसके बाद 131 जो है उसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 132 का जो होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यस। उसके बाद 133, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3, यस इट मैटर्स सही होगा। उसके बाद 134 का ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही है। उसके बाद 135 जो है अपोजिट मीनिंग बोल रहा है मडल्ड का, तो हो जाएगा ऑर्डर्ड, 135। उसके बाद देखिए 100 का, एक मिनट, 135, उसके बाद 136 देखिए, पॉजिटिव इंटरफ्रेंस इज ए काइंड ऑफ, क्या है ये, तो ये हो जाएगा फॉरेन लैंग्वेज कहलाता है। 137 देखिए, 137 का हो जाएगा एज एसेट। 138 नोट मेकिंग क्या है, ड्यूरिंग इज डन ड्यूरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क। 139 जो होगा क्लासिकल मेथड ऑप्शन 2। 140 का हो जाएगा होमोफोन ऑप्शन 1। 141 का हो जाएगा ऑप्शन 1 इमेजिनेटिव थिंकिंग। 142 का स्ट्रक्चरल टीचिंग 142। सो 143 का देखिए, इसका जो सही आंसर होगा 143 का हो जाएगा CLT मेथड। सो 144 का हो फोनेटिक्स, ठीक है, स्पीच साउंड के लिए। उसके बाद 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स एक्शन एंड रियल लाइफ सिचुएशन। 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 147 का हो जाएगा डेकोरम इज स्पोकन इंग्लिश पर्टेंस टू क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल, ऑप्शन नंबर 2। 148 का हो जाएगा ह्यूरिस्टिक रीजनिंग। 149 जो है उसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव।
ठीक है, 150 का हो जाएगा। कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स ऑप्शन नंबर 2, प्रॉपर पंक्चुएशन। तो ये थे क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, इंग्लिश लैंग्वेज के, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पे लैंग्वेज 2 था उसका था, सीरीज एम का ये क्वेश्चन था। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और हिंदी का जो बचा हुआ है उसको भी मैं लेके आता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।